चेहरा पिछू ने देर रात को। अरे डी डॉक्टरानी कुनी जो गीत सुनावे मैं जानू अल्लाह री नामत ये माटी ये नूरान निकाह कर ले। 2020 जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ सुपरस्टारों को छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिलियंट सुपरस्टार इरफान खान जो कि इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे दिल में है। दोस्तों आज की वीडियो उन्हीं के ट्रिब्यूट के तौर पे बनाई जा रही है। आज की वीडियो में हम उन्हीं की एक लास्ट मूवी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष और आज हम बात करने वाले इरफान खान की लास्ट मूवी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस पर और नजर डालेंगे उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स पर और बात करेंगे उसकी स्टोरी रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इरफान खान की लास्ट मूवी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस जो कि 2017 में ही बनकर तैयार हो गई थी और दोस्तों 9 अगस्त 2017 को ये मूवी फ्रांस, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में रिलीज की गई थी लेकिन इंडिया में इस मूवी की कोई भी रिलीज डेट से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी। तो द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस जो कि एक राजस्थानी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे अनूप सिंह डायरेक्ट करते नजर आएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते क्लियर करते इस मूवी के सारे डाउट्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी राजस्थान की है जहाँ पर बिच्छू का डंक जो कि 24 घंटे से कम में मौत दे देता है लेकिन उसका इलाज है बिच्छू गायक द्वारा गाया हुआ गीत जो कि बिच्छू के जहर को गिनता है जिसकी वजह से जिसको बिच्छू ने डंक मारा था वो नहीं मरता है। सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन जो कि एक लड़की है जो कि उस सॉन्ग को गाती है जिसकी वजह से बिच्छू अपने जहर को गिनने लगता है। तो पूरी स्टोरी उसी लड़की के अराउंड होने वाली है। फिर उस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि इरफान खान होते हैं। जहाँ दोस्तों इरफान खान इस मूवी में ऊंट के व्यापारी के तौर पर दिखाई देंगे। दोस्तों फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, फिर उस लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है। क्या उस लड़की की लाइफ में होता है ये सब इस मूवी का सस्पेंस होगा। तो कुल मिला के ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग और ड्रामा से भरपूर मूवी होने वाली है। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों इस मूवी में हमें गौली शिप्ते फरहानी जो कि उस लड़की के रोल में नजर आएंगी और इरफान खान दोस्तों ये दोनों इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो भैया हम इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले मेकर्स ने इस मूवी के रिलीज से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी लेकिन दोस्तों हाल ही में एक पोस्टर में इसकी रिलीज डेट भी फाइनलाइज कर दी। दोस्तों ये मूवी आपको 28 अप्रैल को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से तैयार हो जाओ इरफान खान की लास्ट मूवी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस के लिए जो कि जल्दी आप लोगों को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।